हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। गाइस, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल फार्मासिस्ट हेल्थ केयर में। गाइस, यह वीडियो केवल जानकारी के पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आप कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाइज, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मसल स्ट्रेन ट्रीटमेंट के बारे में, पैर में मोच का इलाज, या हम इसको कहते हैं मांसपेशियों में खिंचाव आना, या इसको हम कहते हैं मोच आना। किसी व्यक्ति को आप सुनते होंगे उसके पैर में मोच आ गई तो उसको हम स्ट्रेन कहते हैं। हम बात करने वाले हैं इनके कारणों के बारे में, इनके लक्षणों के बारे में और इनके इलाज के बारे में कि इनका क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो गाइज, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको प्रॉपर जानकारी मिल सके। तो गाइस, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मसल स्ट्रेन होता क्या है। मसल स्ट्रेन कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ पकड़ने या उठाते हुए, सीढ़ियां चढ़ते हुए या फिर तेज़ भागने से मांसपेशियां खींच सकती हैं। इसे मसल स्ट्रेन या मांसपेशियां खिंचाव तथा तनाव कहा जाता है। मांसपेशियों का यह खिंचाव हाथ पैर जोड़े या पीठ में हो सकता है। इसके अलावा इससे घुटने कंधे कोहनी में सूजन या दर्द भी हो सकती है। तो गाइस, चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके क्या कारण होते हैं, किस कारण से यह होता है। सबसे पहले गाइस, मोच होने के कारण यह है अधिक वजन उठाना, अधिक ऊंचाई से कूदना या तेज़ दौड़ना, खेल कूद जैसे सोते समय अच्छी तरह से ना सोना, उल्टा सीधा सोना, अधिक उम्र की वजह से ये जो मसल स्ट्रेन है ये होने का ज़्यादा खतरा होता है किसी व्यक्ति में। तो गाइस, आगे हम जानेंगे उनके सिम्टम के बारे में कि मसल किसी व्यक्ति को मसल स्ट्रेन हुआ है तो उसमें क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, कैसे पहचाने कि किसी व्यक्ति को मसल स्ट्रेन हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले उस व्यक्ति का उस जगह जहां मसल स्ट्रेन हुआ होगा वहां उस व्यक्ति का रेडनेस आ जाएगा और उस जगह बहुत सी सूजन उस व्यक्ति को देखने को मिल सकती है। वह व्यक्ति पूरी तरह से हिल नहीं पाएगा, उस जगह छूने पर बहुत तेज़ उस व्यक्ति को दर्द होगा, ऐठन मरोड़ महसूस हो सकती है, छूने पर उस व्यक्ति को असह्य दर्द महसूस होगा। और गाइस, ऐसे बहुत से लक्षण देखने को उस व्यक्ति में मिलते हैं। गाइस, अब बात करते हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले उस व्यक्ति को दौड़ना नहीं चाहिए, ठेस लगने से बचना चाहिए और पूरी तरह आराम करें और बर्फ़ को किसी चीज़ में रख के उससे सेकें कम से कम 20 मिनट तक। और याद रखें, बर्फ़ को अकेला कभी डायरेक्ट उस जगह अप्लाई बिल्कुल भी ना करें, किसी चीज़ में रख कर ही उसको अप्लाई करें, या तो आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं मेडिसिनल ट्रीटमेंट के बारे में, इनमें कौन कौन सी दवाइयाँ चलती हैं। सबसे पहले आप उसको बर्फ़ से सिकाई करें दिन भर में 2 से 3 बार, 20 मिनट कम से कम आप डाइक्लोफिनेक जेल का यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 बार। टैबलेट कॉम्बिफ्लाम 0 डाल SP, 0 डाल P, MR PTCM 20 mg, इनमें से आप कोई भी टैबलेट दे सकते हैं पेन के अकॉर्डिंग या तो उस व्यक्ति के मोच के अकॉर्डिंग। और अगर उस जगह नील या काला पड़ गया है या खून जम गया है तो आप उसमें बिडानजेम या प्राइमिडेज टैबलेट दे सकते हैं। इस दवा को हम एंटी इन्फ्लामेटरी एंजाइम के नाम से जानते हैं, या तो आप टैबलेट रोबिनेक्स या कैरिसोमा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले आपको। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अलविदा। और गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़।